हेलो अस्सलाम वालेकुम तो मैं आज फिर आ गई हूँ आपके सामने एक वीडियो लेके बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट वीडियो है एज कम्पेयर विद माय अदर वीडियोस तो जैसे आप लोग थंबनेल के समझ ही गए हो ये सब प्रोडक्ट रिव्यू और जो कि हंड्रेड परसेंट ऑरिजिनल है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट रिव्यू का ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखेगा प्रोडक्ट रिव्यू जो है वाओ साइंस के तो ये है मेरे पास वाओ ओनियन ब्लैक सीड ऑयल आई थिंक आपको दिख रहा होगा हेयर ऑयल ये है शैम्पू और एक मैंने खरीदा था, था इसका वाव का एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश तो मैं आज ये तीन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स रिव्यू कराऊंगी जो कि बिल्कुल 100 परसेंट ऑरिजिनल होंगे नो एनी मिक्सिंग इन इट एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो तो आई थिंक uh, मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर मिलेंगे एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो ये है वाव का ओनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल तो मैं इसके प्रोडक्ट्स एंड पैराफिन फ्री है या फिर नो मिन मिनर्ल, मिनरल ऑयल से ये सब बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ ऑब्वियसली ये सारा कुछ प्रोडक्ट्स में मेंशन में रहता है और आप किसी भी वेबसाइट से जब आप इसको परचेज़ करने जाएंगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सी ऑल दैट ओके द थिंग इज़ दैट कि आपको ये यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए hmm, आप कर सकते हो क्योंकि इसके रिजल्ट आएंगे बट यू हैव टू टेक सम पेशेंस आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि इसके रिजल्ट मिलने तक मतलब कि एक महीना आपको लगता है बिल्कुल एक महीने के बाद ही इसका रिजल्ट आपके बालों पर नजर आता है लेकिन उससे पहले जो मैंने जो इसे यूज किया मैं आपको दिखाती मैंने इसे कितना यूज किया है तो मैंने इससे ऑलमोस्ट हाफ बॉटल यूज कर लिया है तो ये हाफ़ बॉटल जो मैंने यूज़ किया है तो जैसे मैं स्टार्टिंग में मैं इसे यूज़ कर रही थी मेरा रियली पहले के कंपेयर में और ज़्यादा हेयर लॉस शुरू हो गया था तो मेरा मन भी हो रहा था कि शायद मैं अब इसे यूज़ करना स्टॉप कर दूं लेकिन फिर भी मैंने इसे यूज़ किया एंड वीक बाई वीक तो फिर मेरे मैंने देखा कि मेरे हेयर फॉल में रिड्यूज़ हो रहा है थोड़ा सा रिड्यूज़ होना शुरू हुआ है हेयर फॉल तो आफ्टर वन मंथ तो इट्स वर्क ओके आफ्टर वन मंथ इट्स वर्क तो आप ये है कि आप एक महीने के बाद इसका काम होता है उसके बाद आप इसे यूज़ करते रह सकते हो तो लेकिन ये चीज़ है इसका जैसा है कि आपके बाल को थोड़ा सॉफ्ट शाइनी एंड ईचिंग फ्री स्प्लिट एंड फ्री बना देगा तो अगर आपको ये बॉस का ये ओनियन ब्लैक ओनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल खरीदना है तो आप खरीद सकते हो कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है फेस वॉश इट्स अ गुड वन प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इस्पेशली जिसके स्किन थोड़े से रफ टाइप के हैं फॉर द जेंट्स ऑल्सो बॉयज लोके में वो बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा कि इसके जो ब्रेसिस भी दिए हुए हैं जो बिल्कुल सॉफ्टली इस टाइप के मूव होते हैं ऑन योर फेस तो ये बहुत अच्छा है आप एक मतलब क्लीन करो यू जस्ट फील द डिफरेंसेज इन अ सेकेंड ओके जैसे ही आप वॉश करते हो देन आफ्टर यूर फील कि आपको इससे फेस वॉश करके आपको क्या मिल रहा है आपका फेस को बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट एंड सप्पल टाइप का फील होगा तो इफ़ अगर आप इसे खरीदना चाहते हो वाओ का एप्पल से डिविन का फेस वॉश तो आप इसे खरीद सकते हैं ये पंप टाइप में इफ़ मैं करके दिखाती हूँ इस टाइप के ये फोम आते हैं और आप फिर इसको इसलिए इस अप्लाई कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आप इसे ले सकते हो थम्स अप फॉर दिस एंड थम्स अप फॉर दिस ऑल्सो बट जहाँ तक हमने देखा इस शैम्पू के बारे में तो मैंने ऑलमोस्ट uh, ये भी हाफ बॉटल यूज़ हो गया है लेकिन मैंने इसे uh, बिल्कुल स्टॉप कर दिया आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट एनी मोर बिकॉज इससे मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ जो इस हेयर ऑयल को यूज़ कर पहले मैं हेयर ऑयल मंगवाई थी ये वर्क करने लगा तो मैंने सोचा क्यों ना शैम्पू भी मंगवाऊं लेकिन जब मंगवा ये शैम्पू मंगवाई और फिर ये हेयर ऑयल और शैम्पू दोनों यूज़ कर रहे थे तो मेरा हेयर फॉल मत पूछो पूरा कंघी बर्बर करके हेयर फॉल शुरू हो गया था फिर मैंने जब इसे स्टॉप कर दिया तो फिर जाकर कर के मेरे हेयर बंद हुआ जान में जाना ही तो इसलिए कि मैं तो शैम्पू के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप इस शैम्पू को खरीदे हाँ जिसकी फ्रीजी बहुत ज़्यादा फ्रीजी और ड उस टाइप के हेयर है ना जैसे हमारे तो थोड़े थो नॉर्मल हेयर है हम लोग बहुत ज़्यादा डल या फ्रीजी हेयर नहीं है तो जिसके बहुत ज़्यादा फ्रीजी या फिर घुघरेले बाल वाले लोग ये इसे यूज़ कर सकते हैं उनके बाल पर यह बहुत अच्छा जाएगा इसका जो शैम्पू टेक्स्चर है वो जो मैं अभी नहीं लेने जा रही मैं हाथ का दौर जाता हूँ हाँ तो वो जो शैम्पू आप इसको लीजिएगा तो वो बिल्कुल लिक्विड बेस्ड है वाइट टेक्स्चर है इसका लेकिन मेरा हिजाब ख़राब हो गया बना लेती हूँ क्या जा रहा है माइनस पॉइंट कह सकते हैं बहुत कम फोम होगा एकदम करते कत्ते लगेगा अब फोम कहाँ गया फोम हो ही नहीं रहा है तो फिर उसके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको लगता है तब तो फिर जा कर आपको अच्छा से हेयर वॉश होगा इसलिए ये इसके लिए तो मेरा टम डाउन तो अगर आपको ये वीडियो देख कर सेटिस्फैक्शन मिला हो या फिर आपको अच्छा लगा हो या मेरी रिव्यूज आपको पसंद आए लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट रिव्यूज बनाने से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी बनाते हैं प्रोडक्ट रिव्यू प्लीज आप उसको खुद पे यूज कर लो उसके बाद ही उसका बनाओ तो मैंने इसे ऑलमोस्ट दो से ती, तीन महीने मैंने इस सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है उसके बाद मैंने इसका रिव्यूज़ आज बनाया है और तो इनशाला उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें अल्लाफ़